अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरुनिर मेजर क्रिप्टो अपडेट को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। आप लोगों को याद होगा कि आज के दिन मतलब कि 14 फरवरी के दिन यूएस के अंदर यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आनी है, मतलब कि कंज्यूमर परचेस इंडेक्स की रिपोर्ट आनी है कि जिसके अंदर ये बताया जाता है कि अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। तो वो वाली रिपोर्ट आनी थी कि जिसका एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो वो जो सी रिपोर्ट है वो आ चुकी है, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा और उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा यूएस डॉलर के ऊपर, उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सी यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट है वो आ चुकी है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कितने नंबर आए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो जो से प्रीवियस नंबर थे वो थे 6.5% और इस बार एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो से नए नंबर आएंगे वो आएंगे 6.2%, मतलब कि जो सी महंगाई है वो यूएस के अंदर कम होगी। तो जो से नंबर आए हैं वो आए हैं 6.4%, मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन से नंबर थोड़े से ज्यादा आए हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले में जो सी महंगाई है यूएस के अंदर वो कम हुई है। लेकिन क्योंकि जो से नंबर्स है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए हैं तो इसका हम लोग एक ग्रीन इफेक्ट देखेंगे यूएस डॉलर के ऊपर और इसका हम लोग थोड़ा बहुत रेड इफेक्ट देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जैसे ये रिपोर्ट आई उसी वक्त ही एक वॉलिटिलिटी जो सी है वो हम लोगों ने देखी यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो एकदम $21,400 के लेवल तक आई और उसके बाद एकदम दोबारा से ये पंप की थी तकरीबन $21,900 के लेवल तक। तो आप लोगों को पता है कि जैसे ही ये इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, इन दिनों के अंदर जैसे ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो उसका एक बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तमाम एक्सचेंजेस वॉलिटिलिटी करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो उनसे अकाउंट्स है वो वॉश किए जा सके। तो अब मैं आप लोगों को प्रॉपरली अगर गाइड करता चलूंगा, सबसे पहले यूएस डॉलर के इंडेक्स के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी एकदम रेड इफेक्ट आया क्योंकि पिछली बार के मुकाबले में जो सी महंगाई है वो कम हुई है यूएस के अंदर, तो इसकी वजह से यूएस डॉलर की जो सी प्राइसेस है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे जाता हुआ देखा था। लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी जो सी प्राइसेस है वो थोड़ा बहुत स्टेबल होकर 103-104 के लेवल तक जो है वो जा सकती है। और अगर आप लोग यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स के बारे में देखें तो स्टॉक इंडेक्स की जो सी प्राइस है वो एकदम नीचे गई थी तकरीबन 41-32 के लेवल तक और उसके बाद अब ये दोबारा से पंप कर रहा है जो कि एक आरसी पंप होगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये हम लोगों को साइड बाय साइड टर्न दिखाता हुआ ही नजर आएगा और इसकी जो सी मेन रेजिस्टेंस है तकरीबन 4200 के ऊपर, वहां से इसकी प्राइस को हम लोग दोबारा से नीचे की तरफ आता हुआ देखेंगे। अब अगर आगे चलते चले और मेनली बात करते चले यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर, तो बिटकॉइन की प्राइस अगेन अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोस्टली हम लोग को रेड टर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त ये 20 और 200 जो सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस हैं उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। तो एकदम इसकी प्राइस नीचे गई जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसी रिपोर्ट आई है वॉलिटिलिटी की वजह से इसकी प्राइस नीचे गई तकरीबन $21,400 के लेवल तक। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करंटली 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये अभी भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है। तो इसका लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इस रिपोर्ट का, तो अगर उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो बिटकॉइन की जो सी प्राइस है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अगले चंद दिनों तक ये हम लोगों को मोस्टली बहुत अच्छा ग्रीन रन दिखा सकती है और इसकी जो सी प्राइस है उसको हम लोग $23,000 से अबव भी देख सकते हैं, तो इस रिपोर्ट की वजह से उसको हम लोग थोड़ा डिले होता हुआ देख सकते हैं। मतलब कि ये नहीं होगा कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा डंप करेगी, मतलब कि अगर ये बहुत ज्यादा डंप करती भी है तो उसकी जो सी ये सपोर्ट्स हैं $21,300 या $20,900 $21,000 तक का जो सा लेवल है वहां तक आता हुआ देखेंगे, और अगर बहुत ज्यादा भी डंप किया तो $20,000 एक बहुत मेन सपोर्ट होगी बिटकॉइन की। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि $20,000 तक बिटकॉइन की जो सी प्राइस को हम लोग आता हुआ देखेंगे, लेकिन एक जो सा चांस था कि हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को बहुत अच्छा पंप करता हुआ देखें $23,000 या $24,000 के लेवल तक वो दिखाई दे, उसके अंदर थोड़ा डिले हो सकता है इस रिपोर्ट की वजह से। और मेनली हम लोग बिटकॉइन को यही जो एक रेंज है मतलब कि $21,300 से लेकर तकरीबन $22,000 या $22,300 तक का जो सा लेवल है इसी के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। अभी अगले चंद घंटे तक आप लोग वॉलिटिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने फ्यूचर के अंदर फिलहाल कोई ट्रेड नहीं ओपन करनी है। अगर आप लोगों को फ्यूचर ट्रेड करते हुए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है तो फिर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, क्विक इन क्विक आउट करके आप लोग अपने प्रॉफिट्स को जनरेट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मशवरा दूंगा कि आप लोग फिलहाल यहाँ पे ट्रेड्स ना करें क्योंकि वॉलिटिलिटी की वजह से आप लोगों के जो अकाउंट्स है वो वॉश हो सकते हैं। तो बिटकॉइन की जो सी रेंज है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेनली हम लोग बिटकॉइन को इसी तरह साइड बाय साइड दिखाता हुआ देखेंगे और $21,300 से लेकर $22,300 तक का जो सा एक लेवल होगा मेनली बिटकॉइन हम लोग को इसी के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आगे चलते चले और यहाँ पे बात करते चले इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्राइस एकदम नीचे आई तकरीबन $1,482 का लेवल और यहाँ पे इसका ये बोलिंजर बैंड भी जो सा है टू डेविएशन का वो आ रहा है।
तो बोलिंजर बैटरी ने टू डेविएशन की नीचे वाली जो सी लाइन को इसने एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया है और वहां से अब इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन ऊपर इसकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो कि एक यहाँ पे येलो लाइन है और इसकी जो सी टू डेविएशन का बोलिंजर बैंड है उसकी मिड वाली लाइन, ये दोनों लाइंस तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर आ रही हैं। तकरीबन 1517-1516 डॉलर्स का ये लेवल बनता है। तो फिलहाल ये वाला लेवल एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस बना हुआ है इथेरियम के लिए। तो अगर इथेरियम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 1500 डॉलर से अबव अपनी कैंडल बंद कर लेता है तो ये एक अच्छा साइन होगा फिर इथेरियम के लिए। और फिर इथेरियम का जो सा मेन रेंजिंग लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन 1500 डॉलर से लेके 1550 डॉलर तक का लेवल। और करंट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो कि पर्पल लाइन है वो आ रही है तकरीबन 1526 डॉलर के ऊपर। तो ये काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन मेन जो सा आप लोग एक रेंजिंग लेवल देखेंगे इथेरियम का वो 1500 डॉलर से लेके तकरीबन 1550 डॉलर तक का लेवल देखेंगे। और अगर ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 1500 डॉलर से नीचे कैंडल्स बर्न करना शुरू कर देता है तो आप लोग इसके प्राइस को 1450 डॉलर या 1300 डॉलर के लेवल तक भी आता हुआ देख सकते हैं। तो मेन जो सा इफेक्ट हुआ है इस सीपीआई की रिपोर्ट का वो बहुत बड़ा इफेक्ट हम लोग नहीं देखेंगे और मेनली जो सी क्रिप्टो मार्केट है वो हम लोग को इसी तरह साइड बाय साइड रन जो सा वो दिखाते हुए नजर आएंगी। तो ये थी मेजर क्रिप्टो की अपडेट और वॉलेटिलिटी जो सी वो अभी भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने प्रॉफिट को जनरेट करना है इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।